आईपीएल के 5 बेस्ट फिनिशर्स। रसल के खिलाफ गेम प्लान इनसाइडर में। न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट, स्पोर्ट्स रैप। लेकिन उससे पहले रोल बंपर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। क्वारंटीन में डे नंबर आई थिंक 22-23, अब तो दिनों की काउंटिंग भी भूल गए हैं, संडे मंडे क्या होता है वो भी भूल गए हैं, पर हाथ धोने नहीं भूले हम। और हाथ धो के, एक्चुअली आज का टॉपिक ये है, जो हाथ धो के गेंदबाजों के पीछे पड़ जाते हैं और मैच सिंगल हैंडेडली खत्म कर देते हैं, उन हम 5 बड़े फिनिशर्स की बात कर रहे हैं आईपीएल के स्तर पर। यानी कि 12 साल का आईपीएल और हम ऐसे 5 फिनिशर्स की बात कर रहे हैं जो अपनी टीम में जब अगर आखिरी के ओवर चल रहे हो तो फिर सामने वाली टीम थोड़ी उम्मीद छोड़ सी देती है। तो फिर इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर लेट्स गो एज वी गो। इसमें 2 इंडियन हैं और 3 फॉरेनर्स हैं। कैन यू एक्चुअली गेस कि ये कौन से 2 इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, कौन से मैं 3 फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। देखिए धोनी द फिनिशर, ये बात तो हमने आकाशवाणी पे मेरे ख्याल से कुछ 250 बार तो ऑलरेडी कह दी है कि जब भी क्रिकेट की बुक लिखी जाएगी उसका अंतिम चैप्टर जो है, फिनिशिंग चैप्टर जो है, वो महेंद्र सिंह धोनी खुद लिखेंगे, क्योंकि कमाल का फिनिशर है ये। और आईपीएल में तो एक ओवर में 17 रन भी रह जाए ना, वो भी इस खिलाड़ी ने मारे हुए हैं, और ये अलग अलग काम करता है। एक दिन याद है मुझे वो 25-26 रन शायद कुछ चाहिए थे और 1 रन से चेन्नई मैच हारा था। वो मैच था बेंगलुरु में, सामने तो उमेश यादव छक्के यार, कब्बन पार्क में गेंदे मार रहे थे। सो धोनी इज इन दैट लीग, सो धोनी इज देयर, सो ही इज माय नंबर 1 फिनिशर ऑफ ऑल टाइम्स, तो ही इज देयर इन द आईपीएल एज वेल। दूसरे और भारतीय की बात करता हूँ, क्योंकि आरसीबी और सीएसके की हमने मैच की बात की, तो फिर दूसरा जो भारतीय है वो है विराट कोहली। देखिए धोनी जैसे नहीं है कोहली, ये बैटिंग करते हैं ऊपर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, लेकिन अंत तक बैटिंग करते हैं और ये ही अज्यूम्स द रोल ऑफ अ फिनिशर। मेरे खास मित्र वीवीएस लक्ष्मण भी यही कहते हैं कि ये ना फिनिशर का रूप धारण करते हैं, और ये करते हैं क्योंकि इनके खेलने का अंदाज अलग है। एक ही तो आईपीएल का सीजन था जिसमें 4-4 इन्होंने शतक जड़ दिए और एवरेज भी इनका T20 में बहुत ऊपर है, इनका चेस करने का अंदाज अलग है। देखिए धोनी जैसा नहीं करते, ये शायद जो बाकी नाम आएंगे उनके जैसा भी नहीं करते, इनका चेस का बड़ा मेटिकुलस अंदाज में करते हैं कि रिस्क उतना ही लेते हैं जितना रिस्क लेना जरूरी है, और क्योंकि वो जो रिस्क को ना थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाकी सब जो होते हैं, जो फिनिशर्स होते हैं, वो आखिरी 5 ओवर में आते हैं तो मतलब दिस वे और दैट वे, माई वे और द हाई वे, उनके पास और विकल्प नहीं होते। लेकिन विद कोहली, सिंस ही इज देयर इन द 3rd, 4th, 5th ओवर, तो वो रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहता है, ताकि जो 18वें-19वें ओवर में उनको ज्यादा रिस्क ना उठाना पड़े और आसानी से मैच जिता दें। तो विराट कोहली इज एट नंबर 2 इन माई लिस्ट, जो 2 इंडियंस की हम बात कर रहे हैं। अब चलते हैं 3 फॉरेनर्स की तरफ, और ये फॉरेनर्स एक्चुअली दमदार हैं। एक तो कोहली के टीममेट ही हैं, पहले दिल्ली कैपिटल्स में खेला करते थे, दिल्ली डेयर डेविल्स में खेला करते थे, नाम है उनका एबी डिविलियर्स। और एबी डिविलियर्स, अब इनका जो तरीका है ना, ये सबसे मतलब अद्भुत ही है। क्यों? क्योंकि इनको अद्भुत डिविलियर्स भी हम कहते हैं, ही ऑलवेज डिलीवर्स। पर इनका अलग इसलिए है कि मैंने कहा कि रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जो है वो ही टेक्स यू टू अ स्टेज एंड देन ही एक्सप्लोर्स। ए बी डिविलियर्स ऐसा लगता है जब आप उनकी मैच देखते हैं, उनको बैटिंग करते देखते हैं, आप कॉमेंट्री कर रहे होते हैं कि यार ये रिस्क ले रहा है खिलाड़ी, यार ये जो शॉट मारा यार ये बहुत रिस्की शॉट था यार, ये रिस्क परसेंटेज बहुत हाई था। लेकिन हम सबको जो रिस्क लगता है ना, इनके लिए वो डेली बिजनेस है। तो ये उस प्रकार का खिलाड़ी है कि अंत तक लेकर जाता है या नहीं लेकर जाता है, ही जस्ट गोज इन हिज ओन वेरी टिपिकल मैनर, जो उन्हीं के साथ उनको आप एसोसिएट कर सकते हैं। सो एबी डिविलियर्स इज अगेन अ डेंजरस प्लेयर एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट फिनिशर्स। अगर हम आईपीएल के 12 साल के इतिहास को उठा के देखें तो बहुत सारे मैचेस इन्होंने मुकाबले खत्म किए हैं, अंत तक बैटिंग भी करते हैं, नाबाद भी रहते हैं, और बहुत बार सिंगल हैंडेडली मैच जिताते हैं। आप जानते हैं कि आरसीबी बहुत ज्यादा मैच तो जीतती नहीं है, जो जीतती है चेज करते हुए या तो वो कोहली की वजह से या फिर वो एबी की वजह से। तो ये तो बात हुई 3 खिलाड़ियों की, ए बी एंड सी। अब चलते हैं नंबर डी, यानी कि 4th खिलाड़ी कौन हो सकते हैं। अब 2 बचे हैं खिलाड़ी और दोनों मेरे वेस्ट इंडियन हैं, और एक जो है वो तो 12 साल से एक ही फ्रेंचाइज के साथ है, नाम उसका कायरन पोलार्ड। अब पोलार्ड की खासियत तो हमने बहुत बार देखी कि बल्ले को बड़ा ऊपर से पकड़ते हैं, लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हैं, सामने की तरफ छक्के लगाते हैं, स्पिनर्स को तो मतलब फोड़ देते हैं। जब खड़े खड़े छक्के मारने की आपकी काबिलियत हो ना, तो फिर आपसे तो आपका डर जो है वो स्पिनर के जहन में बैठ जाता है। हालांकि अब कुछ बॉलर आए हैं, चाहल हो गए या फिर कोई और राशिद हो गए, तब इनसे दूर थोड़ा बॉल डालते हैं, कवर्स के ऊपर मारने को कहते हैं, लेकिन जो 10-12 साल के इतिहास को उठाओगे ना, अनस्टॉपेबल ये मैन है, और फास्ट बॉलर्स को ये सेकंड गियर में रखते हैं। तो फिनिशिंग
अगर ये मौजूद है मैदान पर, आपको अच्छी तरह से पता है कि आप मैच एज अ बोलिंग यूनिट नहीं जीत पाएंगे। अगर आपको ये मैच जीतना है तो आपको पोलार्ड को आउट करना पड़ेगा, और इस वजह से मैं उनको रख रहा हूं अपनी सूची में नंबर चार, या कहें टॉप फोर में इनका नाम है, और टॉप फाइव में बाय नो मीन्स इज नंबर फाइव बाय द वे, इसलिए मैंने शुरू में कहा था वो इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, टू इंडियन, थ्री ओवरसीज प्लेयर्स, वन साउथ अफ्रीकन एंड टू वेस्ट इंडियंस। अब ये आखिरी जो है ना, ये जब अंदर होते हैं तो गेंद बाहर होती है, जानते हो ना कौन है, मैं बात कर रहा हूँ आंद्रे रसल की। और रसल ने बताया कि कैसे मसलना चाहिए, ही यूज हिज मसल और गेंद को भी देते हैं मसल, और इनका जो अंदाज है वो दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, क्योंकि जब ये बैटिंग करने जाते हैं तो कोई भी टोटल ऐसा लगता नहीं है कि बड़ा है। आखिरी के चार ओवर में अगर इनकी बैटिंग आ गई तो फिर ये सीधा स्टैंडों में गेंद को रखते हैं, और एक एक ओवर में 25-25 रन ये मारने की काबिलियत रखते हैं। अगर आप बाकी चारों को मिलाएं ना, उन सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई खिलाड़ी है तो ये एक अकेला खिलाड़ी है। तो अगर आंद्रे रसल आपके पीछे पड़ जाए तो फिर आपको भगवान बचाए, आप वो मुकाबला जीत नहीं सकते, ये बात 100% गारंटीड है। और एक मैच मुझे याद आता है एक्चुअली सीपीएल का, आईपीएल में तो अच्छा करते ही है, सीपीएल का एक मैच था, एक मैच में उन्होंने हैट्रिक ली, फिर टीम स्ट्रगल कर रही थी, उसमें शतक भी बना दिया। सो इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। तो दीज आर माई फाइव टॉप फिनिशर्स, द बेस्ट फिनिशर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। अगर आपको कोई और नाम याद आ रहे हैं तो कमेंट का सेक्शन उसको भर दीजिए, और बताइए, लिंक भी ये शेयर कीजिए, पिन करिए अपने प्रोफाइल पर। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं आंद्रे रसल को आउट करने के प्लान की तरफ इन द हैशटैग द इनसाइडर। आंद्रे रसल, खैर जब आंद्रे अंदर होते हैं गेंद बाहर होती है, ये तो आपने कमेंट्री में भी सुना, लेकिन वो ऐसा क्यों कर पाते हैं, इतनी आसानी से क्यों कर पाते हैं? एक तो ये जो पहले लोग बताया करते थे, हमारे कोचेज ने भी बोला कि ये खेल जो है ना, बैटिंग जो है, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेंथ, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। आंद्रे रसल ने कहा, लिसन टू मी, अगर आपके पास ताकत है ना, आपके भुजाओं में अगर बल है तो फिर आप वो दिखा सकते हैं, ये थोड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ये मतलब पावर के साथ वो गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हैं, इस वजह से वो जो मार्जिन ऑफ एरर है इनके सामने वो बहुत कम रहता है। अगर आपने यॉर्कर का प्रयास किया और गेंद गिर गई, कहीं हाफ बॉली, तो फिर बाहर से मंगवा लीजिए। आप बाउंसर की कोशिश कर रहे हैं और गई गिरी गेंद हाफ ट्रैकर और यहां तक आई, तो फिर उस वाली बाउंड्री से गेंद मंगवा लीजिए। तो अब गेम प्लान क्या होना चाहिए बतौर तेज गेंदबाज, अगर आप तेज गेंद डालते हैं तो फिर आई नो मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा नहीं है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स क्या होने चाहिए। पहले तो आप इनके बिल्कुल टोज पे गेंद डालिए। अब टोज पे आप ओवर द स्टंप्स भी डाल सकते हैं, आप राउंड द स्टंप्स भी डाल सकते हैं, जो कविसो रबाडा ने आईपीएल में करके बताया, क्योंकि ये क्या करते हैं, थोड़ा पैर खोल के खड़े होते हैं। अब यहां से इन दोनों पैर के बीच में अगर आपने गेंद को लैंड करा दिया तो फिर ये फंस जाते हैं, ये बड़े शॉट नहीं लगा पाते। तो अगर यॉर्कर डालनी है, जब ये पैर ये दोनों खोल लें, तो बिल्कुल ये दोनों पैरों के बीच में गेंद, या फिर इस वाली टो पे, पीछे वाली टो पे गेंद, और दूसरा नोज पे गेंद, तीखी बाउंसर, कान के पास आए इतनी जोर से कि ये शॉट मारने जाएं, हो सकता है एक आधा छक्का हो जाए, लेकिन ये ऐसे आउट होते हैं। शॉर्ट बॉल्स पे हमने इनको पुल मारते हुए और आउट होते हुए देखा, अगर गेंद यहां पर हो, यहां पर नहीं। और अगर आप स्पिनर हैं तो स्पिनर की भी इनकी रेंज तो वही है जो सामने की तरफ है, फिर मिड विकेट की तरफ है, फिर स्क्वायर लेग की तरफ है, तो इस तरफ वो शक्ति प्रदर्शन जो भी करता है ना, वो दाएं हाथ का इस्तेमाल करता है, और इस तरफ शॉट बहुत अच्छे लगाते हैं। तो अब इनसे क्या करना है, इनसे बचने के लिए क्या करना है, इनको आउट करने के लिए क्या करना है, गेंद डालिए इनसे दूर और गेंद को लेकर जाइए भी इनसे दूर, स्टंप्स में नहीं डालनी गेंद, लेग बिफोर ये नहीं करने जाना हमें, इनको आउट करना है स्टंपिंग, कैच और कैच एट कवर्स, डीप कवर्स, लॉन्ग ऑफ, ताकि ये इनसाइड आउट शॉट लगाए, ये इनके नेचुरल शॉट्स नहीं है। अगर ये मारने गए तो हो सकता है कि आंद्रे भी अंदर रह जाए, नहीं आंद्रे बाहर चले जाए और गेंद अंदर हो जाए और आपको मिल जाए सफलता। आकाश, इनसाइड खत्म हो गया है? हो गया खत्म यार, क्वारंटीन में भी ना मतलब रेस्ट करने का मौका कम ही मिलता है, बट देन डिसमिसिंग आंद्रे रसल इट्स नो चाइल्ड्स प्ले, मतलब रेस्ट करना इन द क्वारंटीन बड़ा ये एकदम बड़ा आसान काम है, हालांकि जब तक आपके पास एक्चुअली दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं, एक सो रहा है छोटा वाला, बाकी जो बड़ी वाली है वो अभी थोड़ा सा अपनी असाइनमेंट्स कर रही है अकेले, तो अपन लोग जो है वो अपनी आकाशवाणी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट देन अगर आपको अच्छा लग रहा है शो, तो प्लीज पहले बता दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कल हम और कुछ खास लेकर आएंगे, लेकिन कल के जाने से पहले आज देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स के जो दुनिया है उसमें क्या क्या अब कैंसिल और सस्पेंडेड और पोस्टपोन होता जा रहा है, बिकॉज दैट्स एक्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो वॉच आउट स्पोर्ट्स रैप, मैं थोड़ी सी छोटी सी नन्ही सी नैप ले रहा हूं। एनबीए के महारथी स्वर्गीय कोबी ब्रायंट, टिम डंकन और केविन गार्नेट को किया गया है 2020 के बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट। कोबी, जिनकी इस साल जनवरी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी, हेडलाइन कर रहे हैं कुल 9 बास्केटबॉल स्टार्स को जिन्हें इस इंडक्शन से सम्मानित किया जा रहा है। 3, 2, 1,
गो। पूर्व प्रोफेशनल जैवलिन थ्रोअर जेम्स कैम्बल ने अपना 32वां जन्मदिन एक अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने अपने 6 मीटर लंबे गार्डन में एक मैराथन दौड़ा। ये मैराथन रन की गई थी लाइव स्ट्रीम, जहां अनगिनत लोगों ने ये 5 घंटे की दौड़ लाइव देखी। जेम्स ने कुल मिलाकर अपने गार्डन के 7,000 चक्कर लगाए और 18,000 पाउंड यानी कि 17 लाख रुपए रेस किए कोविड-19 से लड़ने के लिए। Yes, Campbell from Cheltenham completes the 6-meter garden marathon challenge. और आज के स्पोर्ट्स रैप को रैप अप करने के लिए ये हैं कुछ रॉबिन और उनके बेटे शकील वैन पर्सी के विजुअल्स। एंजॉय। मैं तो एक्चुअली आजकल ना सोने और उठने का समय कुछ है नहीं, क्योंकि क्वारंटीन में ऐसे ही होता है। बट देन फटाफट से हाथ धो और इसको लाइक करो, शेयर भी करो और पिन भी करो अपने प्रोफाइल पर, और जाते जाते ना देखो अपनी शॉर्ट्स, मेरी सुनो आकाशवाणी। और कल हम बड़ा मजेदार सा शो लेकर आएंगे जिसमें एक होगी हिस्टोरी, यानी कि किसी की स्टोरी और बहुत खूबसूरत स्टोरी, तो मैं आपके साथ करूंगा कल शेयर। आज नहीं बताऊंगा, कल सुबह आना 9 बजे। अरे ये कहां जा रहे हैं जनाब? गजब का ये शॉट ऋषि के बल्ले से, ऋषि केश ही भेज दिया। गेंदबाज तैयार, फिर अद्भुत शॉट, शॉर्ट बॉल को लंबा शॉट लगाया है। इस बार भी ये अविश्वसनीय शॉट की लिस्ट में एक और एंट्री। स्टंप पे गेंद तो थी लेकिन गई है दर्शकों के पास, 6 रन, 2 गेंदे 2 छक्के। फिर स्टंप्स छोड़ी और फिर एक हवाई मिसाइल, एक और छक्का। क्या बात है यार, बेमिसाल।